समाजवादी पार्टी के हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज ललितपुर में उन्होंने योगी सरकार को जमकर घेरा, केंद्र सरकार को भी घेरा और डबल इंजन की सरकार के जो दावे किए जाते हैं उन पर भी कटाक्ष किए। सबसे पहले उन्होंने ललितपुर में बदले मौसम के बिना पर यह कहा कि जिस तरह से आज अचानक मौसम बदला है, इस बार यूपी में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लोगों ने बहुत जुमले सुने हैं लेकिन अब कुछ नहीं चलेगा, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबी बुंदेलखंड की एक पहचान बनी हुई है और सरकार ने इसको लेकर पिछले बहुत सारे समय से कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गया इस मामले में। समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ पर पैकेट बांटे थे और लोगों की गरीबी को दूर करने का काम किया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो खास तौर पर उन्होंने सहरिया जाति के लोगों का जिक्र किया और उनके पिछड़ेपन का जिक्र किया। कोरोना काल में पैदल आ रहे मजदूरों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बैरिकेडिंग लगा दी और उनको नहीं लाया गया, लेकिन अगर उनकी सरकार होती तो वो लोगों को घर तक पहुंचाते सरकारी वाहनों से। इसके साथ ही टीईटी के पेपर को लेकर एक बार फिर से हमलावर दिखे अखिलेश यादव और उन्होंने कहा कि सरकार में लीकेज है, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवानों को नौकरी देने की कोई इच्छा नहीं है सरकार की और शायद इसीलिए ऐसा किया जाता है। कोरोना काल में समाजवादी पार्टी की जो एम्बुलेंस थी, समाजवादी सरकार में लाई गई एम्बुलेंस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा उपयोगी रही और पुलिस पर उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि खराब है, जाति धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा है और पुलिस को खराब कर दिया गया, यानी योगी सरकार पर बड़े आरोप लगाए कि योगी सरकार ने पुलिस को खराब कर रखा है। यहाँ पर लखीमपुर में किसानों को लेकर के जो घटना हुई उसका भी जिक्र किया गया और 3 जो कृषि कानून वापस किए गए हैं उनके बारे में ये कहा गया कि कृषि कानूनों को मजबूरी में वापस इसलिए लिया गया है ताकि उनको उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में वोट मिल सके। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर कोसा और उसके बाद कहा कि आह्वान किया कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए जो सरकारें जिम्मेदार हैं इस बार सत्ता परिवर्तन करें, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएं ताकि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। ललितपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।